धनंजय सिंह उर्फ काजू से पीएम मोदी और सीएम योगी भी नहीं दिला सकते कब्जा। नक्शो अगर पास करा लेगा तो धरती की ताकत ना हमारे जिंदा हुआ तो काम लगा लिख लाम कहते योगी मोदी आज है काम नहीं लगवा सकते। सुल्तानपुर में भू माफिया धनंजय सिंह उर्फ काजू से भयभीत अभय। सुबह मैं मकान बनवाने जाता हूँ तो वो मौके पर आके मुझे मारते पीटते और धमकी देते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, या तो पैसे दे दो या तो मकान नहीं बनने देंगे। बैनामी की जमीन पर नहीं बनाने दे रहा है भू माफिया घर। मैं मुकदमा की जो आपत्ति थी इसको खारिज करते हुए विनियमित साहब ने नक्शा मेरा पास कर दिया। उसके बाद मैं मकान बनवाने जाता हूँ तो वो मौके पर आके मुझे मारते पीटते और धमकी देते हैं। दरोगा नियाजी हुसैन पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप। सैयद नियाजी हुसैन साहब जी दो बार रिपोर्ट लगाई गई जिसके लिए मैंने एक बार इसके साथ से भी कंप्लेन किया था। भू माफिया धनंजय सिंह उर्फ काजू से अभय श्रीवास्तव को है जान का खतरा। आज भी एक अपराधी किस्म के इंसान है जिसके पर मुझे कई सारे पुराने मुकदमे भी चल रहे हैं और लेटेस्ट भी एक जमीन के मामले में एक मुकदमा उनके ऊपर लिखा गया है। अब जरा गौर से इस ऑडियो को सुनिए कि एक शख्स किस तरह से किसी को यह कह रहा है कि धरती पर कोई नहीं है जो मुझसे तुमको बचा सके। ऑडियो भाजपा नेता धनंजय सिंह उर्फ काजू का अभय श्रीवास्तव द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। बातें खत्म महाराष्ट्र के बाद हम तो कब फोन कर रहे हैं। हम तो बाबू साहब सम्मान देख तो चला ठीक है भाई बहुत पैरवी करता चुनाव बाद हम कह रहे मिलने का मतलब अगर मामला साल करना हो तो बिना मिले कुछ तो नक्शो अगर पास करा लेगा तो धरती की ताकत ना हमारे जिंदा हुआ तो काम लगा लेकिन लिख लिया हम कहते योगी मोदी आज है काम नहीं लगवा सकते यो जान ले। हाँ अगर समझौता करोगे आप फंसे हो फंसे तुम पहले थे तुम भी फंसे तो उसका बीच का रास्ता निकालो कहो तो निर्माण हो जाए फल बन जाए मकान में। हाँ बिना रास्ता की सोचा कि हम तीर मार देवे तीर तो जिंदगी ना मार सकते और यह जान लिया स्टे के दरम्यान हो चुकी उसी जगह पर स्टे है एस डी एम के आगे हिम्मत नहीं होकर पास कह दे नक्शा पास कह दिए तो उनके ऊपर मुकदमा खुद दर्ज हो जाए। जो चीज विवादित स्थल है वो दीवानी से असगर आदेश है बिना निर्णय कैसे आपने नक्शा पास और मेरे जानकारी हो तो दाद दाखिलों खर्जन होते जानकारी नहीं जानकारी में होता तो वहाँ भी आपत्ति लग जाए दाखिल खर्च हो ही नहीं सकती जिंदगी में कौन सा लेखपाल। अरे मुझे जानकारी हो आपत्ति में लगाता ना मेरी वाइफ के नाम जमीन लेखपाल नाम थोड़ी है मेरी जानकारी में होता तो आपका नक्शा देखे नहीं पास हो रहा उस तरह दाखिल खारिज भी ना होती जैसे आप कहते दाखिल खारिज हो गई दाखिल खारिज तो एक प्राइमरी बेस है लेकिन अगर मेरी आपत्ति होती तो उसकी सुनवाई होती क्योंकि क्या कारण है मुद्दा आ जाता स्थगन आदेश लेकिन इससे सबसे मतलब वो मोहल्ला का फसा तो निराकरण अभी तो हम तीन मारते बारह दे रहे हो तो हम मोहल्ला तीन मारते थे वो तो फिर वो चूरा अनुराग खोजेगा आप चुपचाप हमने साथ बाउंड्री गई है सतरिंग की पूरी बल्ली पटरा हमारे तो सिंह से अप्लाई ठीक है बात हुई सब सूख जाने तो पुरानी बातें हैं ठीक है हर आदमी या ऊपर बढ़ता है तो सीढ़ी पे चढ़ते हुए दूसरे दबा के चढ़ते हैं अब जा रहे हैं और विचार बनेगा तो अगली बार बात करता मामला सुल्तानपुर कोतवाली नगर के करौंदिया विवेक नगर के निवासी अभय श्रीवास्तव का है जिन्होंने कुछ साल पहले 750 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। उसका खारिज दाखिल कराने के बाद विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराया। जब मकान बनाने की बारी आई तब वहां पर भूमाफिया भाजपा नेता धनंजय सिंह उर्फ काजू ने पीड़ित को परेशान करते हुए रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। सर मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है मैं करौंदिया विवेक नगर का निवासी हूँ। मैंने एक जमीन खरीदी थी विवेक नगर करौंदिया में 750 स्क्वायर फीट जिसका बैनामा दाखिल खारिज और खतौनी सारी चीज़ें बन गई सरकारी नक्शा पास कराने के लिए मैं नियमित विनियमित क्षेत्र में मैं अप्लाई करता हूँ। वहाँ पे धनंजय सिंह उर्फ काजू जो कि वहाँ पे आपत्ति करते हैं जिसका मुकदमा मैं एक साथ लड़ता हूँ जिसमें मुकदमा की जो आपत्ति थी इसको खारिज करते हुए विनियमित साहब ने नक्शा मेरा पास कर दिया। उसके बाद मैं मकान बनवाने जाता हूँ तो वो मौके पर आके मुझे मारते पीटते और धमकी देते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए या तो पैसे दे दो या तो मकान नहीं बनने देंगे जिसके लिए मैं थाना कोतवाली और डीएम साहब एसपी साहब के यहाँ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है जिसके सहयोग में जो जांच बैठ हुई थी जांच में लेखपाल साहब तो सही रिपोर्ट लगाते हैं लेकिन जो हल्का इंचार्ज हैं वो पता नहीं किन कारणों बस गलत रिपोर्ट बार बार लगा देते हैं और जिसी कारण बस वो आज भी
एक अपराधी किस्म के इंसान है, जिसके पर उनके कई सारे पुराने मुकदमे भी चल रहे हैं और लेटेस्ट भी एक जमीन के मामले में एक मुकदमा उनके ऊपर लिखा गया है। और उनके पास कई इसी तरह की कई सारी जो उनका कमाई का जरिया है वो यही है, और उनकी प्रॉपर एक जांच करी जाए जिससे उनकी अवैध संपत्ति के बारे में भी पता किया जाए। हाँ, वो भाजपा के नेता भी बोलते हैं, जो दो बार वो पार्षद भी लड़ चुके हैं विवेक नगर से, सैयद नियाज हुसैन साहब जी, दो बार कंटिन्यू दो बार रिपोर्ट लगाई गई, जिसके लिए मैंने एक बार एसके साहब से भी कंप्लेन किया था, तो उन्होंने उनको बोला था कि सही सही रिपोर्ट लगाओ, जांच करके लगाओ, लेकिन बार कोई भी जांच वो करते हैं जिसमें वो मुझे शामिल नहीं करते, ना मुझसे कुछ पूछताछ की जाती है। मौके पर आके वो ज़मीन पे एक बार बनामा वो चेक करने के लिए आते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि एक फ़ोटो खींचनी है तुम्हारे साथ, तो मैं उनके साथ एक फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, जिसमें वो 107-116 का मुकदमा भी मेरे ऊपर कर देते हैं। सुना आपने किस तरह से अभय श्रीवास्तव भाजपा नेता भूमाफिया धनंजय सिंह उर्फ काजू की दबंगई से परेशान डीएम एसपी कार्यालय के साथ सीएम योगी से गुहार लगाते हुए अपने साथ हो रही गुंडई और निराला नगर चौकी इंचार्ज नियाजी हुसैन पर फर्जी रिपोर्ट लगाने की बात कर रहा है। अब देखना ये होगा कि सुल्तानपुर पुलिस अभय श्रीवास्तव को समय रहते न्याय दिलाती है या फिर अधिवक्ता आजाद डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी या अभिलाक मौर्य जैसे किसी और कांड का इंतजार करेगी। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए एडवोकेट अंकुश यादव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।